कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर शुक्ला के झीरम घाटी हमले पर उठाए गए सवाल पर भाजपा प्रवक्ता और रायपुर लोकसभा प्रभारी संदीप शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछे गए हैं वह न्याय संगत है, राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। झीरम घाटी में शहीद हुए लोगों के लिए उन्होंने अब तक क्या किया? दरअसल भाजपा नेता शुक्ला ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर सवाल पूछा है कि क्या कवासी लखमा को क्लीन चिट देकर लोकसभा की टिकट दी गई है। उन्होंने कहा कि मूल प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, सेना महिलाओं का रेप करती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस का स्टार प्रचारक, ये दुर्भाग्य है। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का आज स्टार प्रचारक है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। सेना महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, ऐसा जो व्यक्ति कहता है वह आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। और भारत माता की जय, ये जो हमारा एक नारा है, इस नारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान है, और हम सब भारतवासी अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान मानते हैं और उसके हम जयकारा लगाते हैं। ऐसे जयकारा का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है। बंधुवर, सेना के जब 72 जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे, तब जेएनयू में जो व्यक्ति डफली बजा बजा करके और घूम घूम करके जश्न मना रहा, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक है, यह दुर्भाग्य है। आज हम सब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि ऐसा राष्ट्र विरोधी और संस्कृति विरोधी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक बनते जा रहा है। इसलिए हम सब सोचने के लिए मजबूर हैं कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल है कि क्या है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब जो है देश विरोधी जितनी भी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक गिरोह मात्र है, और ऐसे गिरोह का एक सदस्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रचार करने के लिए बुलाया गया है, बिलासपुर में कन्हैया कुमार, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और छत्तीसगढ़ की जनता शांत जनता है, देशभक्त जनता है, और छत्तीसगढ़ की देशभक्त जनता ऐसे राष्ट्रभक्त जनता है जो ऐसे राष्ट्रविरोधी मानसिकता के लोगों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब जब ऐसे व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर के कांग्रेस का प्रचार करेंगे, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। इनका आना ही इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही हार मान चुकी है, और अब तो मुझे लगता है कि उनको अपने जमानत के भी लाले पड़ेंगे। हम इस बात को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की राष्ट्रभक्त जनता ऐसे राष्ट्रद्रोही मानसिकता को सबक सिखाना जानती है। आने वाले चुनाव में सभी चरणों में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेगी, और एक बार फिर निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं।